फ्रेंड्स, मेरे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम लोग अंगारा रोटी बनाएंगे, जिसको इंडक्शन में बनाएंगे। तो हम लोग आटा लेंगे, जो चावल आटा होगा उसको, और बचा हुआ चावल है मेरे पास उसको हम लोग मिक्स करके बनाएंगे। तो सबसे पहले ऑयल डालेंगे, ऑयल को अच्छे से डालें, उसमें मिक्स हो जाए ऐसे। उसके बाद मिर्ची पाउडर डालते हैं, मिर्ची पाउडर डालने के बाद बचा हुआ चावल है उसको डालें। उसके बाद उसको अच्छी तरह से मिक्स करें, मतलब आटे को अच्छे से गूँथें, जैसे गेहूँ आटा को गूंथते हैं उसी तरह से इसको भी गूंथ कर बनाएं। इस तरह से सभी को मिलाकर गूंथें। ऑयल डालने से सॉफ्ट बनता है, ज़्यादा हार्ड नहीं होता है। उसके बाद उसमें हम लोग पानी मिलाएंगे, पानी मिलाएंगे और इसको अच्छी तरह से गूंथ कर एक डो टाइप बना लेंगे। ये देखिए, इसी तरह से बनाना है डो, एक बड़ा सा उसको गूंथना है इस तरह से सॉफ्ट होते तक। उसके बाद इसको ढक दें थोड़ा टाइम के लिए। उसके बाद इसके साथ हमको खाने के लिए टमाटर चटनी बनाएंगे। तो चलो तैयारी करते हैं। एक कटिंग कर रही हूँ टमाटर का। उसके बाद एक कढ़ाई में तेल डालें। तेल डालने के बाद उसमें इसको इसको हम लोग एकदम सिंपल सा टमाटर चटनी बनाएंगे। तो तेल डालें, तेल डालने के बाद गर्म होने के बाद मिर्ची डाल रहे हैं, इसको अच्छे से फ्राई होने दें। उसके बाद उसमें टमाटर को डाल दें। टमाटर डालने के बाद उसको अच्छी तरह से मिक्स करें और भुनने के लिए छोड़ दें। हल्का पानी डालकर नमक डालें, इसमें नमक डालें, फिर हल्दी पाउडर डालें, और मैं हल्दी पाउडर इसमें डालती हूँ और इसमें मसाला ऐड करती हूँ हल्का सा, ज़्यादा नहीं। हल्दी पाउडर डालने के बाद इसमें हम लोग क्या है कि बहुत सिंपल तरीके से हम लोग बनाते हैं टमाटर चटनी। ये देखिए, मिर्ची डाली हूँ और हल्दी डाली हूँ, और अब डाल सकते हैं हल्का मसाला, हल्का सा एकदम से अलग टेस्ट आने के लिए। ये ढक दीजिए। उसके बाद अब चलते हैं रोटी के साइड। हम लोग अंगारा रोटी को इंडक्शन में बनाने वाले हैं, तो चलो देखते हैं। ये देखिए, उसको मैं निकाली हूँ, सॉफ्ट हो गया है। मेरी मम्मी जो है उसको और गूँथ रही है, और सॉफ्ट कर रही है गूँथ गूँथ कर। देखिए, उसके बाद उसको एक बड़ा सा डो बनाएगी, उसके बाद इंडक्शन में डालेगी। उसमें और ऑयल मिक्स कर रही है कि और सॉफ्ट बने करके। उनको पसंद नहीं आया है हम लोग का जो गूँथा हुआ है उसको। ये देखिए, अपने हाथों से बना रही है मम्मी, बड़ा सा गोल बनाएंगी, उसके बाद तवे में रखेगी। देखिए, ऑयल डले हैं उसमें, इंडक्शन में जो तवा रखा है पैन उसमें। ये देखिए, डाल दिए। उसके बाद उसको चारों तरफ और फैला दें, थोड़ा हल्का पतला सा बनाएं, ज़्यादा मोटा ना करें, पतला बनाने से जल्दी सिकाई होगा उसका। ये देखिए, बिल्कुल इसी तरह जो मम्मी मेरी कर रही है। उसके बाद ऊपर से उसको ढक दें, ताकि उस नीचे जो भाप बने वो उड़ कर बाहर ना जाए और जल्दी से सिकाई हो जाए करके। ये देखिए, अब थोड़ा टाइम हो गया, अब उसको उठाकर देख रहे हैं। एक साइड सिकाई हो गया है, अब उसको पलटाएंगे, हल्के हाथों से पलटाएं, नहीं तो टूट जाएगा ये। हम लोग से तो पलटता नहीं है, मम्मी ट्राई कर, मम्मी को ही बोलते हैं कि मम्मी आप पलटाओ करके। ये देखिए, कितना सुंदर सा बन गया, एक साइड सिका गया, अब दूसरा साइड को सिकाई होगा। अब इस साइड को भी सिकाई कर पलटाने के बाद दूसरा साइड को भी सिकाने के लिए छोड़ दें और ढक दें। अब दूसरे साइड भी हो गया है, सिकाई हो गया अच्छी तरह से। ये देखिए, ये देखिए कितना सुंदर सा बन गया हम लोग का अंगारा रोटी, जिसको हम लोग तवे में बनाए हैं। अब चलो टमाटर चटनी देखते हैं कि बना है कि नहीं। ये देखिए, ये भी सूखने वाला है। इसको अच्छे से भून कर लास्ट तक इसको पकाते रहें, ऑयल से ही अच्छी तरह से पकता है, नहीं तो इसमें खट्टा सा पन रहता है। धनिया पाउडर डाल सकते हैं आप, हम लोग डाले हैं धनिया पाउडर। ये पूरी तरह से बन गया है। ये देखिए, मैं इसको सर्व कर ली हूँ, दूसरे प्लेट में रख ली हूँ। ये देखिए, कितना सुंदर सा दिख रहा है हम लोग का टमाटर चटनी, जिसको हम लोग खाएंगे अपने अंगारा रोटी के साथ। ये देखिए, कितना यम्मी सा है। अब हम लोग खा रहे हैं, मम्मी, मैं, मेरी बहन। आप भी अपने घर में बनाएं,
और खाएं। मेरे वीडियो देखने के लिए थैंक यू, एंड लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर कीजिए। धन्यवाद आप सभी लोग का।